देख रहे हैं KSN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक जरूरी सूचना, बोलने एवं सुनने में असमर्थ रोगियों के लिए एक दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर 3 नवंबर दिन रविवार को आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जन्म से या जन्म के बाद प्राकृतिक अथवा अन्य रोग जन्य कारणों से बोलने या सुनने में असमर्थ रोगी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिविर में आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, लेप एवं आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाएगा। शिविर का पता है HIG 62 MP नगर डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने घंटाघर चौक कोरबा। समय का ध्यान रखें, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9303541547 62635194। शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा में दिनांक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विशाल रैली निकाला गया। रैली में महाविद्यालय के पूरे स्टाफ और सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खास करके NSS में भाग लिए विद्यार्थियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आज की यह रैली महाविद्यालय से मिशन चौक तक निकाला गया। इस कार्यक्रम के विषय में NSS प्रभारी डॉक्टर GR भारती जी ने कहा कि आज की यह रैली पूरे देश को मिलजुल कर रहने के संदेश को लेकर निकाला गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है, जो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं और हमारे सारे बच्चे रैली निकाले। जी सर, आपके रैली का क्या मुख्य उद्देश्य था, कुछ उद्देश्य बताइए आप। हम उद्देश्य देना चाहते हैं कि सब एक हैं और एक रह के भारत को एक बनाएंगे और एकता के संदेश देने के लिए रैली निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट KSN24 न्यूज़।